cigarette smoking is injurious to health. It causes cancer. सिगरेट धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये कैंसर का कारण बनता है। जिंदगी की सच्ची घटनाओं को समेट उन्हें कहानी का आकार देते हैं। कुछ इसीलिए ही हम कहानीकार कहलाते हैं। प्रिय भाई मार्शल, क्षमा चाहता हूँ, विदेश में होने के कारण तुमसे कभी मिल नहीं पाया, लेकिन अब मैं इंग्लैंड वापस आ गया हूँ। जितनी जल्दी हो सके मुझसे मिलने आ जाओ। तुम्हारा बड़ा भाई एवराड किंग। भैया का टेलीग्राम मिला तो मैं खुशी से उछल पड़ा। एवराड किंग मेरे छोटे चाचा के बेटे थे। वे अपने अमीर शौकों के लिए जाने जाते थे। अभी हाल में ही उन्होंने ग्रेलैंड नामक एक पूरी रियासत ही खरीद ली थी, और एक मैं था जो दिवालिया होने की कगार पर था। अब तो साहूकार भी कर्जा देना बंद कर चुके थे। भैया के टेलीग्राम के कारण मुझे ये उम्मीद बंधने लगी कि शायद वे मुझे दिवालिया होने से बचा लेंगे। नहीं नहीं, मैं कोई दरिद्र या फकीर नहीं था, बल्कि इस देश के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक सर लॉर्ड सदरटन का भतीजा था। सर लॉर्ड सदरटन मेरे ताऊजी यानी बड़े पापा थे, और मैं उनकी संपत्ति का उत्तराधिकारी था। बात बस ये थी कि वो इतने खड़ूस और कंजूस थे कि मेरी ओर कोई ध्यान ही नहीं देते थे। मैंने उसी शाम सामान बांधा और निकल पड़ा। लोकल ट्रेन ने मुझे एक सुनसान स्टेशन पर उतार दिया। स्टेशन पर मुझे कोई लेने नहीं आया था, इसीलिए बाहर निकलकर, ऐ तांगे वाले, ग्रेलैंड्स चलोगे? तांगा सुंदर घाटियों के ऊंचे नीचे रास्तों पर चल पड़ा। घाटियों के बीच से एक सुस्त टेढ़ी मेढ़ी नदी जा रही थी। तांगे वाला एक भला इंसान था। वो रास्ते भर मेरे चचेरे भाई की तारीफ करता रहा। उसकी बातों से मुझे समझ आया कि उस प्रांत के लोगों में मेरे भाई का बहुत नाम था। इसी बीच मेरा ध्यान एक अद्भुत चिड़िया की ओर गया, जो टेलीग्राफ के खंभे पर आकर बैठ गई थी। पहले मुझे लगा कि ये नीलकंठ है, लेकिन वो नीलकंठ से बहुत बड़ी थी और उसके पंख भी नीलकंठ की तुलना में कई ज्यादा चमकदार थे। तांगे वाले ने बताया कि ये चिड़िया एवराड किंग के जंगलों की ही थी और वे इसे ब्राजील से यहां लाए थे। मुझे समझ में आया कि एवराड किंग ब्राजील के ऐसे ही बहुत से पक्षियों और जंगली जानवरों को इंग्लैंड में लाकर पालने की जीतोड़ कोशिश कर रहे थे। इन विदेशी जीवों को नए वातावरण में ढालना ही उनका सबसे बड़ा शौक था। जैसे ही हमने मेन गेट पार किया, मुझे उनकी इस अभिरुचि के संपूर्ण दर्शन हो गए। कुछ छोटे हिरन, कुछ जंगली सुअर, भव्य पंखों वाली ओरायल, एक प्रकार का आमडेलो और एक अनोखा भदभदा कर चलता हुआ भीमकाय बैजर। एवराड किंग स्वयं प्रवेश द्वार की सीढ़ियों पर खड़े थे। शायद उन्होंने दूर से ही मुझे पहचान लिया था। देखने में वो बहुत ही घरेलू और भले व्यक्ति लग रहे थे। छोटा कद, मजबूत काठी, उम्र शायद 40 से 45 वर्ष, गोल हसमुख चेहरा जो शायद उनकी ब्राजील यात्राओं से खूब सांवला हो चुका था। उस पर अनुभव रूपी हजारों झुर्रियां भरी हुई थी। उन्होंने सफेद लिनन के कपड़े पहने थे, होठों में एक सिगार दबाया था और सर पर एक पनामा टोपी पहनी थी। मुझे देखते ही उन्होंने किसी को आवाज दी, डार्लिंग, देखो हमारे मेहमान पहुंच गए। पधारिए पधारिए, हमारे ग्रेलैंड्स में आपका स्वागत है। आखिरकार आज तुमसे मिलने का मौका मिल ही गया मार्शल भाई। मेरे बड़े भाग्य कि तुम मेरे इस छोटे से गांव में आए। मेरे भाई के आदर सत्कार ने मुझे तुरंत पिघला दिया और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बहुत समय बाद मैं किसी अपने से मिला हूं। नमस्ते भाभी जी। हाँ ठीक है, नमस्ते, अंदर चलिए।
भाभी के रूखे व्यवहार ने मुझे चौंका दिया। संभवतः वो ब्राजील की रहने वाली थी। उनकी बेअदबी को मैंने ये सोचकर माफ कर दिया कि शायद उन्हें हमारे देश के संस्कारों के बारे में नहीं पता होगा। लेकिन आगे भी उन्होंने ये जताने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि उन्हें मेरा वहां आना तनिक भी अच्छा नहीं लगा। सच कहूं तो उनके शब्द बहुत शालीन होते थे, पर उनकी काली तेज आंखें मुझे घर से निकल जाने को कहती थी। लेकिन मेरे लिए कर्जों के बारे में भैया से बात करना इतना महत्वपूर्ण था कि मैंने भाभी के इस दुर्व्यवहार को खून का घूंट पीकर अनदेखा कर दिया। उधर भैया ने मेरे आव भगत में कोई कसर नहीं छोड़ी। मार्शल, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक बताना। एक ब्लैंक चेक। ये शब्द बिल्कुल मेरे जुबान पर थे, लेकिन ऐन मौके पर मैंने उन्हें रोक लिया। मुझे लगा कि इतनी जल्दी मुझे इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अगली सुबह नाश्ते के समय भाभी ने घृणापूर्वक मुझसे कहा, 12:15 वाली ट्रेन से जाएंगे। मैं इस विदेशी महिला से दबने वाला नहीं था। मैंने भी बेशर्मी से कह दिया, जाने के बारे में मैं तो सोच भी नहीं रहा था। कुछ बोलते बोलते वे रुक गई, बस मुझे घूरती रही। अगर भैया कह दे तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। ये क्या तरीका है? अचानक से भैया कमरे में आ गए। उन्होंने शायद मेरे आखिरी दो शब्द सुन लिए थे और हमारे चेहरे देखकर बाकी सब भी समझ गए। देखते ही देखते उनका गोल मटोल उदार चेहरा एक खूंखार शक्ल में बदल गया। तुम थोड़ा बाहर जाओगे मार्शल। फिर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। मेरी तरफ देखकर बात करो। क्या कहा तुमने? क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। मैं उनकी बातें नहीं सुनना चाहता था, इसलिए मैं लॉन की तरफ चला गया। तभी कुछ आहट हुई। अपनी सूजी हुई लाल आंखें मुझसे छुपाते हुए उन्होंने कहा, मेरे पति ने कहा कि मैं आपसे माफी मांगू। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है भाभी। उन्होंने तुरंत अपनी घृणा भरी आंखें मेरी ओर उठाई। बेवकूफ। मेरे कानों में एक जहर सा घोलकर तमतमाती हुई वो वापस घर में चली गई। इस असहनीय अपमान से मैं घबरा गया और मेरे पैर एक जगह अकड़ से गए। मार्शल, उसकी बातों का बुरा मत मानना। भैया ने स्नेह से अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए कहा, अब तुमसे क्या छुपाना। तुम्हारी भाभी दिल की बुरी नहीं है, लेकिन बहुत ईर्ष्यालु है। उसके अलावा किसी और से मैं 2 मिनट भी बात करूं तो वो जल भुनकर राख हो जाती है। उसका वश चले तो मुझे लेकर दूर किसी द्वीप पर चली जाए और दिन रात मुझसे बातें करती रहे। अब तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और हां, यहां से जाने का ख्याल फिलहाल अपने मन से निकाल ही दो। भैया, ऐसा कोई ख्याल मेरे मन में नहीं है। तब ठीक है, ये लो सिगार जलाओ। आओ, मैं तुम्हें अपने छोटे से चिड़ियाघर की सैर कराता हूं। फिर पूरी दोपहर हम उनके छोटे से जंगल में घूमते रहे। मैंने बहुत से पक्षी, जंगली जानवर और रेंगने वाले जीव देखे। कुछ खुले घूम रहे थे, कुछ अपने पिंजरे में बंद थे और कुछ तो उनके घर के अंदर भी थे। भैया उन्हें ब्राजील से आयात करके ले आए थे। अंत में वे मुझे घर से जुड़े हुए एक पतले से रास्ते में ले गए। सामने एक मोटा भारी दरवाजा था जिसमें एक खिसकने वाला शटर लगा था। दरवाजे के बगल वाली दीवार से एक पहिया निकला हुआ था, उसमें उसे घुमाने के लिए एक हत्था भी लगा था। आओ, अब मैं तुम्हें अपने खजाने का सबसे लाजवाब हीरा दिखाता हूं। इसके जैसा पूरे यूरोप में ये इकलौता ही है। ये रहा मेरा ब्राजीली बिल्ला। बिल्ला? एक बार शटर खिसका के तो देखो। मैंने शटर खिसकाया। अंदर एक बड़ा सा खाली कमरा था।
सामने की दीवार पर एक मजबूत सलाखों वाली खिड़की थी। कमरे के बीचों बीच एक विशालकाय जानवर धूप सेंक रहा था, तेंदू की शाखों जैसा काला और चिकना, शरहरा लेकिन शेर जितना बड़ा। वो जितना खूंखार दिख रहा था उतना ही आकर्षक भी लग रहा था। एक छोटी मासूम बिल्ली का भीमकाय रूप। है ना शानदार? वाकई लोगों को लगता है कि ये काला तेंदुआ है, लेकिन असल में ये तेंदुआ नहीं है। सर से लेकर पूंछ तक ये कोई 11 फीट लंबा होगा। हाँ, 4 साल पहले जब मैंने इसे खरीदा था तब ये एक काले ऊन के गुल्ले के जितना था। इसकी माँ को ब्राजील के आदिवासियों ने भाला भौंक कर मार दिया था, लेकिन उसके पहले वह दर्जनों आदिवासियों को मार खा चुकी थी। ये नरभक्षी होते हैं। इनसे ज्यादा खून का प्यासा इस धरती पर कोई और जीव नहीं होगा। वैसे इस बेचारे ने अभी तक इंसान का खून नहीं चखा है, लेकिन जिस दिन इसने वो खून चख लिया यह जीता जागता राक्षस बन जाएगा। अभी भी ये मेरे अलावा किसी को पास नहीं आने देता है। बॉल्डविन तो इसका केयरटेकर है, लेकिन वो भी इसके पास नहीं भटक सकता। ये तो बस मैं हूं जिसे ये अपना माँ बाप सब मानता है। बात करते करते अचानक से वो भारी दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। उनकी आवाज सुनते ही वो जानवर लचकते हुए उठा और अंगड़ाई लेने लगा। धीरे से चलकर वो उनके पास पहुंचा और अपना काला चपटा मुंह उनके पैर से रगड़ने लगा। भैया भी उसे सहलाते पुचकारते रहे। टॉमी, चलो अब अंदर जाओ। वह भीमकाय बिल्ला तुरंत उठकर कमरे के दूसरे कोने में चला गया। उधर एक लोहे की सलाखों से बना पिंजरा था जिसमें वो आराम से जाकर बैठ गया। फिर भैया बाहर आए और उन्होंने लोहे के हत्थे से पहिए को घुमाना शुरू कर दिया। पिंजरे के पास दीवार के अंदर से कुछ लोहे की सलाखें निकली और पिंजरा सामने से भी बंद हो गया। इसके बाद उन्होंने मुझे भी भारी धातु की यह दरवाजे के अंदर बुलाया। वो कमरा बिल्ले की तीखी असहनीय दुर्गंध से भरा हुआ था। दिन में हम पिंजरा खोलकर इसे चलने फिरने की जगह दे देते हैं और रात में फिर से पिंजरे में बैठा देते हैं। फिर जैसा तुमने देखा बाहर पहिया घुमाकर पिंजरे का दरवाजा खिसका देते हैं। नहीं नहीं, ये कभी मत करना। असल में मैंने अपना हाथ उस बिल्ले के थरथराते शरीर को छूने के लिए जाली के अंदर बढ़ा दिया था। भैया ने तुरंत मेरा हाथ बाहर खींच लिया। इसे मजाक मत समझो, सिर्फ मैं इसके साथ खेल सकता हूं। तुमसे दोस्ती इतनी जल्दी कैसे हो जाएगी, है ना टॉमी? देखो, इसे पता चल गया कि इसका खाना आ रहा है। फर्श पर किसी के चलने की आवाज आई। वो उछल कर खड़ा हो गया, सकरे से पिंजरे में चहलकदमी करने लगा। उसकी पीली आंखें चमक उठी और उसकी लाल खुरदुरी जीभ उसके नुकीले दांतों से झूलती हुई लप लपाने लगी। केयरटेकर बॉल्डविन ने ट्रे में रखा एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा पिंजरे के बाहर से ही अंदर सरका दिया। उसने टुकड़ा अपनी तरफ खींचा और उसे उठाकर कोने में ले गया। फिर उसे पंजों के बीच में रखा और एक बार में ही फाड़ दिया। अब वो आराम से उसे खाता रहा। बीच बीच में वो अपना खून से सना मुंह उठाकर हमारी तरफ देख भी लेता था। वाकई ये बहुत दुर्लभ दृश्य था। मैंने इसे बचपन से पाला है, इसलिए लगाव कुछ ज्यादा ही है। ब्राजील से यहां तक मैं इसे कैसे लाया ये मैं ही जानता हूं। खैर, अब ये स्वस्थ है, मस्त है और पूरे यूरोप में एक लौता है।
चिड़ियाघर वाले तो इसे ले जाने के लिए कब से आतुर बैठे हैं, लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं पाता। खैर, मैंने तुम्हें आज बहुत बोर किया। चलो अब टॉमी की तरह हम भी खाना खा लेते हैं। मुझे लगा कि जो अपने जंगलों और जानवरों में इतना व्यस्त रहता हो वो कोई और काम कब करता होगा, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो अपने कारोबार का ध्यान टेलीग्राम के माध्यम से रख रहे थे। हर रोज कम से कम 4 टेलीग्राम उनके पास आ रहे थे, किसी किसी दिन 7-8 टेलीग्राम तक आ जाते थे। वो हर बार उतनी ही उत्सुकता से टेलीग्राम पढ़ते थे और बहुत गंभीर मुद्रा में उस पर मनन भी करते थे। मुझे वहां 6 दिन हो गए थे और हमारे संबंध अब रिश्तेदारी से ज्यादा दोस्ती जैसे हो गए थे। अंततः निकलने से 1 दिन पहले मैंने साफ शब्दों में उनसे अपनी आर्थिक समस्याओं की बात कह दी। उन्होंने बहुत ध्यान से मेरी पूरी बात सुनी और बोले, लेकिन तुम तो हमारे सबसे अमीर रिश्तेदार लॉर्ड सदरटन के उत्तराधिकारी हो ना? बिल्कुल हूं, लेकिन आज तक उन्होंने मेरी कभी मदद नहीं की। कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि वो कंजूस स्वभाव के हैं, हालांकि अभी तो वो बहुत बीमार चल रहे हैं। मैंने तो सदा उनको बीमार ही देखा है। सही बात है, उनका पैसा तो तुम्हें फिलहाल नहीं मिलने वाला। सच में तुम थोड़ा फंस गए हो। आपसे ही कुछ उम्मीद है यदि आप कुछ पैसे। ये भी कोई कहने की बात है? हम लोग आज रात विस्तार से बात करते हैं और जितना मुझसे संभव हो पाएगा मैं अवश्य तुम्हारी मदद करूंगा। भाभी की आंखों में मेरे लिए घृणा और बढ़ती जा रही थी। अब तो वो सीधे मुंह मुझसे बात भी नहीं करती थी, बल्कि आमने सामने नजरअंदाज कर देती थी। आखिरी दिन तो मुझे इतना अपमान महसूस हुआ कि अगर रात में भैया से मिलने का कार्यक्रम नहीं होता तो मैं तभी उनका घर छोड़कर चला गया होता। उस दिन भैया टेलीग्राम में और भी ज्यादा व्यस्त रहे और रात में सबके सो जाने के बाद ही देर रात को बाहर आए। नियम पूर्वक घर के सारे ताले बंद करने के बाद वो बिलियर्ड रूम में मेरे पास आए। उनके ढीले ढाले कुर्ते और हवाई चप्पल में उनकी मजबूत कदकाठी साफ दिख रही थी। आराम कुर्सी पर बैठते समय उन्होंने अपने लिए विस्की का एक पैग बनाया जिसमें पानी के मुकाबले विस्की बहुत ज्यादा थी। अद्भुत, क्या रात है। सचमुच ये रात बहुत डरावनी लग रही थी। तेज आंधी से घर के खिड़कियां और दरवाजे ऐसे हिल रहे थे मानो अभी खुलकर गिर जाएंगे। हवा के कारण लालटेन की बत्ती और भी अधिक चमक रही थी। तेज सुलगते सिगार की खुशबू कई गुना बढ़ गई थी। चलो अब मुझे फुर्सत मिल गई है, अब रात अपनी है। मुझे विस्तार से बताओ कि तुम्हारी क्या समस्या है। फिर क्या था, मैंने अपनी दयनीय आर्थिक स्थिति का पूरा विवरण उन्हें दे डाला। पूरे दौरान उनकी भाव शून्य आंखें देखकर मुझे बहुत निराशा हुई। शायद उनका ध्यान कहीं और था। आखिर में वो उठ बैठे और अपने सिगार को अंगीठी में फेंक दिया। मुझे नंबर ठीक से याद नहीं रहते। एक काम करते हैं, तुम कागज पर ये सब कुछ लिख कर मुझे दे देना, फिर मैं सब कुछ देख लूंगा, ठीक है? जी। चलो अब सो जाते, 1 बज गया। आंधी की तेज आवाज को चीरता हुआ घड़ी का पेंडुलम एक बार जोर से गूंजा। सोने से पहले एक बार अपने हीरे को देख लेता हूं, आंधी में वो कुछ ज्यादा उत्तेजित हो जाता है। तुम सोना चाहते हो या साथ चलना चाहते हो? मैं साथ चलता हूं। ठीक है, तो धीरे धीरे आ जाओ ताकि बाकी किसी की नींद न टूटे। दबे पांव संकरे गलियारे को पार करते हुए हम उस मोटे भारी दरवाजे के भीतर आ गए। वहां सिर्फ अंधेरा था। भैया ने दीवार पर टंगी लालटेन उतारी और उसे जला लिया। बिल्ला
जोर से गुर्राया। वो वाकई उत्तेजित लग रहा था। लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में उसकी विशाल काय काली आकृति पिंजरे के एक कोने में बैठी दिखाई दे रही थी। सफेद चिकनी दीवार पर उसकी हिलती हुई परछाई और भी भयानक लग रही थी। फर्श पर बिछी पुआल पर उसकी पूंछ कौड़े की तरह पड़ रही थी। टॉमी आज शायद गुस्से में। एवरार्ड किंग ने अपनी लालटेन उठाकर उसे ध्यान से देखा और बोले, कौन कहता है कि इस धरती पर अब राक्षस नहीं है? मैं इसे कुछ खिला देता हूं, तुम एक मिनट लालटेन पकड़ोगे? ये इसकी रसोई बस पास में है, अभी आता हूं। मैंने लालटेन पकड़ ली। वो भारी दरवाजे से बाहर निकल गए। अचानक एक क्लिक जैसी आवाज आई। उस आवाज ने मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज कर दी। किसी अनजान डर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज भारी दरवाजे के बंद होने की थी ना। मैं दरवाजे की ओर लपका, मगर दरवाजे के इस तरफ उसे खोलने के लिए कोई हैंडल ही नहीं था। भैया मुझे बाहर निकालिए, भैया मुझे बाहर निकालिए। दूर से भैया की आवाज आई। ठीक है, ज्यादा शोर मत बचाओ, लालटेन तो है ना तुम्हारे पास? हाँ, लेकिन मुझे अकेले रहने में डर लग रहा है ना? चिंता मत करो, ज्यादा देर तुम अकेले नहीं रहोगे। उनकी मुंह दबाकर हंसने की आवाज मेरे कानों में पड़ी। भैया मुझे बाहर निकालो, मुझे इस तरह के बेतुके खेल पसंद नहीं है। भैया खेल? अचानक तूफान की गड़गड़ाहट में कहीं ची ची की आवाज हुई, जैसे कोई लोहे का पहिया घूम रहा हो। तभी मुझे लोहे की जाली सरकती हुई दिखाई दी। हे भगवान, भैया पिंजरे का दरवाजा खोल रहे थे। लालटेन की हल्की रोशनी में मुझे पिंजरे का दरवाजा खिसकता हुआ दिखाई दिया। लगभग एक फुट वो खुल भी चुका था। मेरे दिलो दिमाग में दहशत फैल गई। मैं चीख उठा। सरकते हुए दरवाजे को मैं पूरे दम से खींचने लगा। रोष और भय से मैं पागल होने लगा। थोड़ी देर के लिए मैंने दरवाजा रोक लिया था, लेकिन मैं जानता था कि हत्थे से पहियों को घुमाना भैया के लिए बहुत आसान होगा। वही हुआ, मेरे पैर फर्श पर घिसटने लगे और पिंजरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। भैया दरवाजा खोलो भैया, आपको आपको मेरी कसम, हमारी रिश्तेदारी की कसम, भैया मैं आपका मेहमान हूं। भैया प्लीज, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? किस बात का बदला ले रहे हो भैया? जवाब देने की बजाय वो पहिया घुमाता रहा और मेरे पूरे जोर लगाने के बाद भी पिंजरे का दरवाजा खुलता रहा। पिंजरे के सामने से घिसटते घिसटते मेरे हाथ पैर रगड़ गए और मेरी उंगलियां छिल गई। अंत में मैंने हार मान ली और छंड की आवाज करते हुए लोहे की सलाखों से बना वो दरवाजा दीवार से जा टकराया। मुझे हवाई चप्पलों के दूर जाने की और दूर एक दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई। उसके बाद सब शांत हो गया। इस पूरे दौरान वो बिल्ला एक कोने में बिना हिले बैठा रहा। उसकी पूंछ भी रुक गई थी। उसकी बड़ी आंखें हैरत से मेरी ओर एकटक देख रही थी। लालटेन जो मेरे हाथ से पहले ही गिर गया था, फर्श पर पड़ा अभी भी जल रहा था। मुझे लगा कि मैं लालटेन की रोशनी दिखाकर ही बिल्ले को डरा सकता हूं, लेकिन मैंने जैसे ही लालटेन की तरफ हाथ बढ़ाया, वो बहुत गहरी और डरावनी आवाज में गुर्राया। मैं डर से वहीं जम गया। बिल्ला
बिल्ला मुझसे सिर्फ 10 फीट की दूरी पर था। उसकी पीली आंखें अंधेरे में फॉस्फोरस की टिकिया जैसी चमक रही थी। मैं स्तंभित और मंत्रमुग्ध होकर उधर देख रहा। लालटेन की रोशनी घटती बढ़ती रही। बिल्ले ने अपनी आंखें मूंद ली। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि आंखों में आंखें डालकर देखते रहने पर खतरनाक से खतरनाक जानवर भी इंसान पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता है। मुझे नहीं पता इस वजह से या तो किसी और वजह से, पर उस बिल्ले ने मुझ पर हमला नहीं किया था। वो अपना छोटा काला सर दोनों पंजों पर रखकर सो गया। मैं धीरे से उठा जरूर, पर डर के कारण हिल नहीं पाया। उसकी आंखें बंद देखकर मेरा दिमाग कुछ ठीक से चलना शुरू हुआ। मुझे सुबह होने तक इस खतरनाक जानवर से खुद को बचाना था। मैं दरवाजा नहीं खोल सकता था, खिड़कियों की सलाखों के बीच से भी नहीं भाग सकता था, और इस खाली कमरे में किसी जगह छुप भी नहीं सकता था। यह कमरा घर से 100 फीट से ज्यादा दूर था, इसीलिए चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था। फिर बाहर तूफान के शोर में मेरी आवाज का दब जाना भी तय था। तभी मेरी निगाह लालटेन की ओर गई। मुझे सिहरन सी छूट गई। लालटेन की रोशनी बहुत कम हो चुकी थी। मुझे पता था कि 10 मिनट में यह पूरी तरह बुझ जाएगी। अंधेरे में इस भयानक राक्षस के साथ एक कमरे में रहने की बात सोचकर ही मेरा खून सूखने लगा। मैंने इस मौत के कुएं में एक बार फिर अपनी आंखें दौड़ाई। इस बार मेरी नजर एक ऐसी जगह पर पड़ी जहां मैं पूरी तरह से सुरक्षित तो नहीं, पर फिर भी खुले फर्श की तुलना में कम खतरे में जरूर होता। दरअसल पिंजरे की छत सलाखों की बनी थी, जिसके ऊपर एक लोहे के तार की जाली पड़ी थी। अगर पिंजरे का दरवाजा बंद किया जाता तो यह जगह भी ढक जाती। पिंजरे की छत और कमरे की छत के बीच कोई 3 फुट का फासला था। अगर किसी तरह मैं उस जगह में पहुंच जाऊं तो मैं 3 तरफ से सुरक्षित हो जाऊंगा। हाँ, सामने से खतरा फिर भी रहेगा, लेकिन कम से कम मैं उस बिल्ली के रास्ते में तो नहीं आऊंगा, बल्कि मुझ पर हमला करने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन लालटेन बुझ जाने के बाद पिंजरे की छत पर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। जान हथेली पर रखकर मैं तुरंत कूदा। मेरे हाथ में पिंजरे की छत का किनारा आ गया। उसे पकड़कर मैं फुर्ती से पलट गया। अब मेरा छिला हुआ चेहरा नीचे की ओर था और आंखें उसकी भयानक आंखों में घूर रही थी। जमाई लेते हुए बिल्ले की सांस किसी गंदे नाले से भी ज्यादा बदबूदार महक रही थी। बिल्ला गुस्से से ज्यादा उत्सुकता से मुझे देख रहा था। अपनी काली लंबी पीठ को लहराते हुए उसने एक अंगड़ाई ली और पिछले पंजों पर उठते हुए अपना दायां पंजा दीवार पर टिका दिया। अब बाएं पंजे से जाली के नीचे से वो मुझे टटोलने लगा। जाली का एक नुकीला कुंदा मेरे पजामे को फाड़ते हुए मेरे घुटने में जा घुसा। मैं दर्द से कराह उठा। वो धम की आवाज के साथ नीचे उतर गया और मुझ पर नजर रखते हुए कमरे में चहलकदमी कर रहा। मैं पीछे सरक कर दीवार से चिपक गया। अब वो पहले से ज्यादा उत्तेजित लग रहा था। वो बहुत फुर्ती से कमरे में घूम रहा था। बार बार वो मेरी लोहे की जाली के नीचे से निकल रहा था। उसके मखमली पैरों से बहुत हल्की सी आवाज आ रही थी। लालटेन की रोशनी बहुत कम हो चुकी थी, इसीलिए अब मुझे उसकी विशालकाय छाया ही दिख रही थी। तभी एक आखिरी चिरचिराहट के साथ लालटेन बुझ गई। रात भर के लिए
मैं अकेले उसके साथ फंस चुका था। खुद को ये सांत्वना देते हुए कि जो कुछ भी कर सकता था मैंने किया, मैं उस लोहे की मृत्यु शैया पर पड़ा चुपचाप अपनी मौत का इंतजार करने लगा। मैं इस उम्मीद में बिना कोई आवाज किए लेटा रहा कि अगर मैं बिना हिले पड़ा रहूं तो शायद वो मेरे बारे में भूल जाए। 2 बज चुके होंगे, 4 बजे तक सुबह होने लगी। मुझे 2 घंटे इसी प्रकार इंतजार करना होगा। बाहर तूफान बढ़ता जा रहा था, बारिश खिड़कियों पर पत्थर की तरह पड़ रही थी, बिल्ले की जहरीली दुर्गंध और प्रबल होती जा रही थी। वो ना तो मुझे सुनाई दे रहा था और ना ही दिखाई दे रहा था। इस अकल्पनीय डर को हटाने के लिए मैं अपना ध्यान कहीं और लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन घूम फिर कर मैं अपने कपटी भाई के बारे में ही सोचता रहा। कौन विश्वास करेगा कि इस हसमुख चेहरे के नीचे एक खूंखार हथियारा छिपा है? मुझे धीरे धीरे समझ आया कि कितनी चतुराई से उसने मुझे मारने की योजना बनाई थी। सबके सामने तो वो सोने चला गया था, फिर बिना किसी को जगाए वो नीचे आया और मुझे यहां छोड़कर चला गया। उसकी कहानी तो बहुत आसान सी होगी, वह मुझे बिलियर्ड रूम में सिगार पीता छोड़ गया था। मैं कौतूहलवश बिल्ले को देखने आ गया हूंगा, लापरवाही में मैं ये देखना भूल गया हूंगा कि पिंजरा खुला था और मैं वहां फंस गया हूंगा। वो कैसे पकड़ा जाएगा? हो सकता है कि किसी को उस पर शक भी हो, लेकिन प्रामाणिक तौर पर उसे हत्यारा सिद्ध नहीं कर पाएगा। वो भयानक 2 घंटे बहुत मुश्किल से बीते। एक बार मैंने एक धीमी कर्कश आवाज सुनी थी। मैंने मान लिया था कि वो अपना पैर चाट रहा होगा। इस बीच कई बार उसकी हरी सी दिखती आंखों ने मेरी ओर देखा भी था, मगर कभी एकटक घूरा नहीं था। इससे मुझे यकीन हो गया कि उसे मेरे वहां होने से कोई तकलीफ नहीं थी। आखिरकार सुबह की पहली फीकी रोशनी खिड़की से अंदर आने लगी। पहले तो दीवार पर भूरे चकत्ते बने और फिर भूरा रंग धीरे धीरे सफेद हो गया, और इस प्रकार 2 घंटे बाद मुझे मेरा खतरनाक साथी, अब जाकर उसने भी मुझे देखा। यह स्पष्ट था कि अब वो पहले की तुलना में कई ज्यादा उत्तेजित और खतरनाक मुद्रा में था। सुबह की ठंड और भूख ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया था। वो मेरे सामने वाली दीवार के आगे गुर्राता हुआ चक्कर पर चक्कर काट रहा था। उसकी मूछों के बाल गुस्से से तन गए थे और उसकी भारी पूंछ दोनों ओर हिल रही थी। वो धमकी भरी आंखों से कई बार मेरी तरफ देख रहा था। मैं समझ गया कि अब वो मुझे मारना चाहता था। हालांकि मैं तब भी उसकी सुंदरता में खोया हुआ था। उसकी लंबी लहरदार चाल, उसके सुंदर चमकदार पुट्ठे, उसके काले मुंह से लटकती लाल जीभ और उसकी गहरी डरावनी लगातार चलती हुर्राहट, मैं समझ गया कि मेरी अंतिम घड़ी आ चुकी है। इतनी ठंड में इन लोहे की सलाखों के ऊपर मरना बहुत तकलीफदेह होगा। मैं इस दर्दनाक मौत के लिए मानसिक रूप से खुद को तैयार करने लगा। तभी मुझे एक विचार आया, अगर मैं किसी तरह पिंजरे के दरवाजे को खींचकर बंद कर लूं, तो मैं उसके पीछे छुप सकता हूं। लेकिन मेरे थोड़े से हिलने से भी बिल्ला भड़क सकता था। बहुत धीरे धीरे मैंने अपना एक हाथ बढ़ाकर पहले छत के किनारे को पकड़ा।
और फिर पिंजरे के दरवाजे के उस पट्टी को पकड़ लिया जो दीवार से थोड़ी बाहर निकली हुई थी। आश्चर्य की बात यह थी कि दरवाजा बहुत आसानी से मेरी ओर खींचने लगा। मैं अब उसी पर लटका हुआ था। धीरे धीरे पहियों की मदद से दरवाजा सरकने लगा। मैंने थोड़ा और खींचा और अचानक से बिल्ले ने बिजली की गति से मेरी ओर छलांग लगा दी। उसकी गुर्राहट में मैं जब तक कुछ समझ पाता, उसकी चमकीली पीली आंखें, चपटा काला सर, लाल खुरदरी जीव और चमकते दांत बिल्कुल बिल्कुल मेरे पास तक आ पहुंचे। उसके दमदार झटके से मानो पूरा पिंजरा ही थरथरा कर गिरने लगा। कुछ देर वो पिंजरे को हिलाता रहा। उसका सर और आगे के पैर बिल्कुल मेरे मुंह के पास थे। पीछे वाले पैरों से वो पिंजरे को जकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके नाखून लोहे की जाली पर खरखरा रहे थे। उसके मुंह की दुर्गंध से मुझे उल्टी आने लगी। इस बार उसका निशाना चूक गया था। धीरे धीरे गुस्से से दांत निकालता हुआ और नाखूनों से पिंजरे को खरोचता हुआ वो पीछे हटा और धम से फर्श पर गिर गया। घुर्राते हुए वो फिर से मेरी ओर मुड़ा और एक और छलांग के लिए झुका। इस बार उसका निशाना चूकने वाला नहीं था। मुझे फौरन कुछ करना होगा। तुरंत मैंने एक योजना बनाई। मैंने अपना कुर्ता उतारकर उसकी आंखों के ऊपर डाल दिया। उसी समय मैं नीचे कूदा और पिंजरे के दरवाजे को पागलों की तरह दीवार से बाहर खींचने लगा। दरवाजा आसानी से नीचे होने लगा। मैं उसे पकड़े पकड़े कमरे के उस पार तक भागा, मगर गलती से दरवाजे के अंदर रहने के बजाय मैं बाहर रह गया। मैं अगर अंदर की तरफ होता तो मुझे एक खरोच भी नहीं आई होती। मैं तुरंत रुका और दरवाजे के दूसरी तरफ जाने की कोशिश करने लगा। इतनी देर में उसने कुर्ता सर से हटाकर जमीन पर फेंका और तेजी से मेरी ओर झपटा। मैंने खुद को दरवाजे के उस पार धकेला और दरवाजा खींच लिया। अंदर आते आते उसने मेरा एक पैर पकड़ लिया। उसके 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 भारी पंजे ने मेरे पैर को फाड़ के रख दिया। जैसे कुल्हाड़ी लकड़ी के टुकड़े को फाड़ देती है। इतना खून बहते देख मुझे चक्कर आने लगा और मैं पिंजरे के अंदर बदबूदार पुआल में गिर गया। बिल्ला गुस्से से बेकाबू हो रहा और पिंजरे के दरवाजे को हिला रहा। इस बेहोशी की हालत में मुझे डर लगना भी बंद हो गया। मैं अधमरी हालत में बस देखता रहा। बिल्ला अब दरवाजे से सटकर खड़ा हो गया और पट्टी के अंदर अपना एक पंजा ऐसे हिलाने लगा जैसे पालतू बिल्ली चूहेदानी में बंद चूहे को देखकर हिलाती है। उसके पहने नाखूनों से मेरे कपड़े फट गए। हालांकि वो मुझ तक नहीं पहुंच पाया। उसके नाखूनों के जहर के कारण मेरा शरीर और दिमाग सुन्न हो गया था। अपने मरने या जीने से ज्यादा मेरी रुचि इस खेल में होने लगी थी कि वो बिल्ला जीतेगा या हारेगा। धीरे धीरे मेरा दिमाग और भी बहकने लगा और मुझे कुछ विचित्र से सपने आने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं से उसमें काला सर और लाल जीभ आ जाते थे। धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि भगवान जब आपकी भरपूर परीक्षा ले लेते हैं तो आपको मुक्ति का वरदान भी दे देते हैं। मैं ऐसी ही मुक्ति की तरफ बढ़ रहा था। अब मुझे याद आता है कि मैं लगभग 2 घंटे तक बेहोश रहा होगा। मुझे दोबारा कुछ होश क्लिक जैसी आवाज सुनने से आया।
ये बाहर वाला दरवाजा खुलने की आवाज थी। हालांकि मैं पूरी तरह से होश में नहीं था, लेकिन मुझे ये आभास था कि मेरे भाई का गोल मटोल शरीफ चेहरा दरवाजे से अंदर झांक रहा था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। बिल्ला एक कोने में आराम से बैठा था। मैं पिंजरे के अंदर अपने खून में सना पड़ा था। सुबह की सफेद रोशनी में मुझे उसका अचंभित चेहरा दिखाई दिया। वह बार बार झांक कर मुझे देख रहा था। फिर दरवाजा बंद करके वो अंदर यह देखने आया कि मैं पिंजरे में जिंदा हूं या मर गया। मुझे ठीक ठीक नहीं पता कि उसके बाद क्या क्या हुआ। जब मुझे कुछ कुछ होश आया तो मैंने देखा कि वो बिल्ली को देख रहा था। वो खुशी से चिल्लाया, शाबाश टॉमी। तभी उसका शरीर पिंजरे के दरवाजे पर टिक गया। नीचे उतर बेवकूफ, तुम मुझे भूल गया क्या? अपने मालिक को भूल गया? दिमाग की उस बदतर हालत में भी मुझे याद आया जब मेरे भाई ने मुझसे कहा था, वैसे इस बेचारे ने अभी तक इंसान का खून नहीं चखा है, लेकिन जिस दिन इसने वो खून चख लिया, ये जीता जागता राक्षस बन जाएगा। आज रात वो मेरा खून चख चुका था, और मेरा भाई उस राक्षस का पहला शिकार बन रहा था। राक्षस कहीं के? दौड़ो, कामे! नहीं, बर्डमैन, बर्डमैन! फिर उसके गिरने उठने की आवाजें कई बार आई, और अंत में अनाज भरे बोरे के फटने जैसी आवाज आई। उसकी चीख बिल्ले की गुर्राहट में दबकर रह गई। और ठीक उसी समय जब मैंने सोचा कि वो मर चुका है, तभी जैसे मैंने एक बुरा सपना देखा। एक अंधी खून से सनी आकृति कमरे में पागलों की तरह भाग रही थी। बस इसके बाद मैं पूरी तरह बेहोश हो गया। महीनों में बीमार रहा। मुझे तो लगता है कि मैं आज तक ठीक नहीं हुआ हूं। केयरटेकर बॉल्डविन और घर के बाकी नौकरों को पता नहीं चला कि वहां क्या हुआ था। जब वो अपने मालिक की चीखें सुनकर भाग कर आए, तो उन्हें पिंजरे के अंदर मैं मिला, और बिल्ले के चंगुल में मेरे भाई के अवशेष मिले। उन्हें बहुत बाद में पता चला कि वो अवशेष उनके मालिक के थे। लोहे की गर्म सलाखों से डराकर उन्होंने बिल्ले को पीछे हटाया और फिर दरवाजे के बाहर से उसे गोली मारी। फिर कहीं वो मुझे बाहर निकाल पाए। मुझे मेरे ही हत्यारे के कमरे में ले जाया गया, जहां हफ्तों तक मैं जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा। क्लिप्टन से मेरे लिए एक सर्जन बुलाया गया था और लंदन से एक नर्स। एक महीने में मैं स्टेशन तक ले जाए जाने लायक हो गया और वापस अपने घर लंदन पहुंचा दिया गया। बीमारी के समय की एक घटना मुझे बहुत अच्छे से याद है। एक रात जब नर्स वहां नहीं थी, तब मेरे कमरे का दरवाजा खुला और काले कपड़े पहने एक लंबी सी औरत अंदर आई। रात की मध्यम रोशनी में मैंने उनको देखा। वो मेरी ब्राजील वाली भाभी थी। आप होश में हैं? कमजोरी में बहुत धीरे से मैंने अपना सर हिलाया। मैं बस कहना चाहती थी कि गलती आप ही की थी। मैं आपके लिए जितना कर सकती थी मैंने किया। मैंने आपको घर से भगाने तक की कोशिश की। मुझे पता था कि किसी कारणवश ही उन्होंने आपको वहां बुलाया होगा। मैं जानती थी कि वह आपको जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। खैर, मैं बस आपको धन्यवाद देने आई थी, क्योंकि आपने मुझे उस
पापी से मुक्ति दिलाई है। उसके बाद मैं उनसे कभी नहीं मिला। मैंने सुना कि वो अपने पति की संपत्ति बेचकर ब्राजील में रहने चली गई। लंदन वापस आने के काफी समय के बाद डॉक्टरों ने मुझे फिर से काम करने की अनुमति थी, लेकिन सबसे पहले मेरे वकील सैंडर्स मुझे मिलने आ गए। अरे वाह, आपकी तबीयत तो पहले से बहुत बेहतर हो गई है। मैं तो कब से आपको बधाई देना चाहता था। बधाई? ये कैसा मजाक है? मजाक नहीं है सर, मैं सच कह रहा हूँ। पिछले 6 हफ्ते से आप ही लॉर्ड सदरटन हैं। बस बीमारी के बीच में हम आपको ये बताना नहीं चाहते थे। लॉर्ड सदरटन, इंग्लैंड के सबसे अमीर लोगों में से एक? मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। तभी मुझे वो समय याद आया जब मेरे साथ वो हादसा हुआ था। इसका मतलब लॉर्ड सदरटन तभी मरे थे जब मैं घायल हुआ था। जी, वह उसी दिन मरे थे। सैंडर्स ने मेरी तरफ ध्यान से देखा। क्या अजीब संयोग है। सैंडर्स एक चालाक व्यक्ति था। मुझे पूरा यकीन है कि वो सब सच समझ गया था, लेकिन परिवार के अंदरूनी मामलों के बारे में मैं किसी बाहरी व्यक्ति को कुछ नहीं बताना चाहता था। हल्की मुस्कान के साथ वो मुझे देख रहा था। आपको तो पता ही होगा कि आपके बाद लॉर्ड सदरटन के अगले उत्तराधिकारी आपके चचेरे भाई एवराल्ड किंग ही थे। अगर उस जानवर ने उस रात उनके बजाय आपके टुकड़े कर दिए होते तो इस समय एवराल्ड किंग ही लॉर्ड सदरटन होते। बिल्कुल सही। मुझे पता चला है कि लॉर्ड सदरटन का ड्राइवर उनके स्वास्थ्य की सारी जानकारी एवराल्ड किंग को टेलीग्राम करता था। लगभग उसी समय आप भी तो वहां थे। हाँ, लेकिन अजीब बात यह है, उत्तराधिकारी तो आप थे, फिर लॉर्ड सदरटन के स्वास्थ्य की जानकारी वो क्यों रख रहे थे? हाँ, अजीब तो है, लेकिन फिलहाल तुम मेरी चेकबुक और सारे बिल यहां ले आओ। अब अकाउंट ठीक करने का समय आ गया है, क्या कहते हो? अगर आपको हमारी कोशिश जरा सी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह कहानीकार की नई कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिएगा ताकि हमारी नई कोशिशें सीधे आप तक पहुंच सके। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।